आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे डेली एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। ये नई सीरीज शुरू की है, निफ्टी का एनालिसिस बताएंगे और बताएंगे आगे की क्या रणनीति होगी इन जनरल। शुरुआत करते हैं दिसंबर 17 के एनालिसिस से। अगर एक शब्द में बोला जाए तो दिसंबर 17 को बेलो का बल बहुत पावरफुल था। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नए हाइज बनाए हैं और क्लोजिंग भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हुई है। अब दिसंबर 18 को क्या कर सकते हैं पूरा विश्लेषण करेंगे और अपनी पोजीशन भी बताएंगे हमारी पोजीशन क्या है। तो देखिए, इसको हम लोग क्रिसमस रैली भी कहते हैं, सेंटा रैली भी कहते हैं। इसके चलते हुए काफी फंड मैनेजर्स फंड डिप्लॉय करते हैं, नए नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, नए नए सेगमेंट में जाएंगे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जुबिलेंट है, काफी पॉजिटिव है। ना ही इंडिया का बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा साइन है जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में आपको और भी तेजी हो सकती है दिखाई दे। बट क्रिसमस के बाद का टाइम एक क्रिटिकल टाइम होता है, उसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो लोग फंड मैनेजर्स होते हैं उनका, स्पेशली यूएस में, वहां के लोगों का फाइनेंशियल एंड जो होता है कैलेंडर ईयर एंड ही होता है, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलकर तीन मेन फैक्टर्स की बात करते हैं, मार्केट में हुआ क्या है। तो अगर सबसे पहले मार्केट का इन जनरल व्यू देखें तो देखिए, मार्केट ने खुला पॉजिटिव, एक छोटा सा डिप बनाया, उसके बाद कंसिस्टेंटली ऊपर चलता चला गया, 13768 तक का हाई बनाया है। और अगर मार्केट का ब्रेथ देखें तो वो थोड़ी सी एक चिंताजनक बात है। जब मार्केट इतने हाई लेवल पर है, एडवांस मात्र 16 और डिक्लाइन 34 है, दुगने से ज्यादा डिक्लाइन है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता है। ये जनरल रैली नहीं है, ब्रॉडर रैली नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रैली है जो स्टॉक मार्केट दिखा रहा है। अब अगर टीसीएस को देखें, क्योंकि ईच निफ्टी अकेला कुछ नहीं करता, उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो निफ्टी में टीसीएस का वेटेज काफी अच्छा है। और यहां देखिए, 2800 के लेवल से चढ़कर 2848 का लेवल पर पहुंचा है, 48 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है यहां पर, ये टीसीएस के रेफरेंस में। तो पॉजिटिव मोमेंटम टीसीएस ने दिया है स्टॉक को। वहीं एचडीएफसी बैंक देखें तो बैंकिंग सेक्टर का जो दिग्गज है एचडीएफसी बैंक, उसने भी काफी अच्छी तेजी पकड़ी थी, दिन भर तेजी का रुख बनाए रखा। देखिए, सिंपल अगर आप एक चार्ट पैटर्न भी बनाते हैं इसके साथ में, तो आपको दिखाई देगा कि पैनल पर इन्होंने क्लियर कट एक अपवर्ड डायरेक्शन बनाई हुई है, जहां से पाथ अगर आपको निकालना है तो सिंपल एक अपवर्ड चैनल का ट्रेजेक्ट्री में निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा दिन था, यहां पर देखेंगे एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी बहुत बढ़िया दिन था। और उसके साथ में कोटक बैंक को अगर देखें, देखिए कोटक बैंक ने भी अच्छा काम किया है ओवरऑल डे टू डे बेसिस के रिव्यू से अगर देखा जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखा है। जो शुरू में थोड़ी सी सेलिंग आई थी वो एब्जॉर्ब होके एक जनरिक ट्रेंड ये भी ऊपर की तरफ को रहा है। तो ये तीन मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग। अब जरा निफ्टी का हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, निफ्टी के स्पॉट लेवल है जो आपको दिखाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां से बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है आगे आने वाले समय के लिए। पर बुलियंजर बैंड क्या कह रहा है, देखिए काफी टाइम से बुलियंजर बैंड के अपर सेक्शन में है। अगर आप यहां पर देखें, नवंबर के महीने से जब से इसने अपर सेक्शन शुरू किया है, कब हमेशा ऊपर रह रहा है, मिड लेवल पर आया नहीं है। तो ये कंसोलिडेशन करने के लिए जरूर आना चाहिए हमारे हिसाब से, और 13242 के आसपास का अभी का एक कंसोलिडेशन लेवल लग रहा है। अगर यही स्टडी हम RSI की तरफ से देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिसेस, तो इसमें 80 के ऊपर चल रहा है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है जो आपको यहां पर रेस्क्यू करने के लिए काम आएगा। दोस्तों, निफ्टी में लॉन्ग मत रहना, RSI 80 के ऊपर जाना कोई हेल्दी साइन नहीं है निफ्टी के लिए। वहीं पर अगर हम आज देखें तो आज का एक और पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो है एलिगेटर इंडिकेटर। तो एलिगेटर इंडिकेटर आपको बताता है कि मूविंग एवरेज को अलग अलग ना करके क्लियर कट इसने यहां से नवंबर 6 से बहुत अच्छा गैप मेंटेन रखा है। सबसे पहला जो उसका सपोर्ट रहेगा 13365, ये और आपका अगर देखें तो दोनों का लेवल सेम आ रहा है यहां पर, 13264 के आसपास दोनों के लेवल
बराबर बराबर बन रहे हो। अब यही चीज अगर हम दिसंबर फ्यूचर की तरफ से देखें तो दिसंबर का फ्यूचर बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रहा है, करीब करीब 800 पॉइंट बढ़ चुका है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी बनेगा, जिसने यहां पर 13,000 पर खरीदा है अब यहां पर बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। हमारी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर विक्स को देखा जाए, देखिए दोस्तों आपको सारे पैरामीटर समझने होते हैं और उसके बाद में आपको काम करना है अपने हिसाब से। तो अगर विक्स का हम डेली ट्रेंड देखें तो विक्स की वैल्यू 19 के आसपास है। ये पैरामीटर जो हम यूज करते हैं आपको पता लग जाएगा कि रिलेटिवली कहां पर जा सकता है आगे आने वाले समय। विक्स अभी यहां पर बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, 15 से लेकर और 24-22 तक इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है विक्स में भी जंप आए जैसे मार्केट करेक्शन करेगा। अब यहां पर प्योर लिक्विडिटी प्ले है, बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं इसलिए मार्केट में कैश है, इसलिए मार्केट बढ़ रहा है। साथ ही साथ में देखें आरएसआई की आपको बात बताई है, आरएसआई का लेवल अगर 80 के ऊपर है तो प्लीज कभी भी लॉन्ग मत जाइएगा। इनफैक्ट यहां पर आप ग्रेजुअल मैनर में शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को। अब चलकर हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं और जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है यहां से आगे की प्रक्रिया। ऑप्शन चेन के माध्यम से अब 17 दिसंबर की ऑप्शन चेन एक्सपायर हो चुकी है, तो हम 24 दिसंबर की ऑप्शन चेन की बात करेंगे यहां पर। और देखिए अगर फ्राइडे के दिन की बात की जाए तो कहां पर सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 14,000 के आसपास है, जिसमें 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है। और वहीं पर अगर आप पुट में देखें तो पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 13,500 का। तो एक ब्रॉड रेंज बन गई है 14,000 से लेकर 13,500 की, जिसमें मार्केट हमारे हिसाब से इस हफ्ते काम करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट काफी ज्यादा रैली कर चुका है, तो क्या आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन कह रही है कि हां आपको थोड़ी ही शॉर्ट पोजीशन ले लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट यहां पर बुक करके अपना। इनफैक्ट निफ्टी को शॉर्ट भी कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट अपने पास कैश रखिए। हमारी अगर प्लान की ट्रेड प्लान की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट नेगेटिव बायस थे, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं अभी भी, थोड़ा सा रिलेटिवली कम हुआ है ओवरऑल एवरेज के हिसाब से, बट अभी भी रेस्क्यू नहीं है यहां पर, तो मार्केट पिकअप नहीं होगा इतनी जल्दी तेजी से। तो टेक्निकल सेल ऑफ में स्टार्ट इसके चलते हुए हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में रखी हुई है। दोस्तों वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको 80% अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 20% से ही ट्रेडिंग कीजिए। हम लोग वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में आपको इंट्राडे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। 4 वीडियो प्रस्तुत हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।